कोरोना के चलते सोलन का पर्यटन शून्य हो चुका था, लेकिन अब सोलन में पर्यटक आने आरंभ हो चुके हैं। पिछले वर्ष में करीबन 11 लाख पर्यटक सोलन में आए थे, लेकिन इस बार करीबन 2.5 लाख पर्यटकों ने ही सोलन का रुख किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसायियों को बहुत ही कम कीमत ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले वर्ष में तो कुछ शर्तों के आधार पर ब्याज सरकार द्वारा माफ किया गया है। पर्यटन व्यवसायी इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। सोलन और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करने के लिए 3 योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर ये 3 प्रोजेक्ट सफल हो जाते हैं तो हिमाचल के पर्यटन को पंख लग सकते हैं। ये जानकारी सोलन पर्यटन अधिकारी रतिराम ने मीडिया को दी। पर्यटन अधिकारी रतिराम ने बताया कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोलन और आसपास के क्षेत्रों में 3 बड़े प्रोजेक्टों पर कार्य कर रही है, जिसमें सबसे पहला जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट कंडाघाट के प्रस्तावित है, जिसमें करीबन 95 बीघा जमीन पर आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूरज कुंड में हाट बाजार लगता है, उसी तर्ज पर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। वहीं तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट बद्दी का है, जिसके तहत बद्दी में हेलीपैड का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारी जिला में बहुत बड़े 3 मेजर प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, जिनमें एक्सपेंशन ऑफ जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट है, दूसरा विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर कंडाघाट, और बद्दी में हेलीपैड की अपग्रेडेशन का प्रपोजल विचाराधीन है। जैसे आपने कंडाघाट हाट की बात कही है, ये किस तर्ज के ऊपर ये जो बनाया जा रहा है? ये सूरज कुंड के तर्ज पे जो है इसको बनाया जाए। कार की जो पर्यटन क्षेत्र में जो नीतियाँ हैं, उसकी वजह से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है, क्योंकि अब जो टूरिस्ट है उनका फ्लो अच्छा है, और जो पूरी सावधानी के साथ टूरिस्ट हमारे जिला में आ रहे हैं। सरकार ने जो एक लोन कैपिटल सब्सिडी की जो स्कीम लागू की थी, उसका जो लाभ है वो जो होटलियर्स को, जो पात्र और इच्छुक होटलियर्स है, उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं।